ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵੀ 100 ਗਏ ਨੇ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ बहुत ही लगाए जरा मेरे सामने इंजेक्शन चल भाई लंबा पै चल 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 Assalamualaikum Zulkarnain Army, क्या हाल चाल है आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करता हूँ। हाँ जी रेडी, चलो आओ फिर। उठते ही मैं और आपकी भाभी जाने लगे हैं जिम करने के लिए, बिकॉज अगर हम लोग उठते ही सबसे पहले जिम के लिए ना जाएं और अपने कामकाज में, अबे यार भूख जाना था अभी हम लोगों ने बहुत बुरा, अल्लाह ने बचा लिया। या अल्लाह तेरा लाख दफा शुक्र है, लाख दफा नहीं बल्कि लाखों दफा शुक्र है बच गए, नहीं तो उस गाड़ी वाले ने हमारे अंदर ठुकना था। अगर खैर मैं बता रहा था कि अगर हम लोग उठते ही सुबह सबसे पहले जिम ना जाएं और अपने कामकाज में मशगूल हो जाएं तो फिर भाई ना शाम में हमारा जिम जाने को दिल करता है और ना ही हमारा टाइम लगता है, इसलिए बेहतर है कि दिन की शुरुआत ही एक्सरसाइज से की जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी जल्दी आ जाना, ये तुम जो डेढ़ घंटा जिम लगाते हो ना, मैं पागल हो जाती हूँ वहाँ वेट कर करके, क्योंकि मैं इतनी देर जिम नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाती है और ऐसी इतनी गर्मी में डेढ़ डेढ़ घंटा जिम करने का फायदा ही नहीं है और तुम्हें इतनी जरूरत ही नहीं है, तो प्लीज आधे घंटे में आ जाना। आधे घंटे में आ जाना, वाह भाई वाह, हर गल्ला सुना के आधे घंटे में आ जाना। तुम जाओ ना, तुम करो अपनी, मैं आ जाना आधे घंटे। अच्छा आ जाऊंगा, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती है ना तो तुम जिम ना आया करो मेहरबानी करके। ओह आपको पता है मेरा मसला क्या है? हाँ मुझे पता है मसला क्या है, मसला सारा तुम्हारा दिमाग है और कोई मसला नहीं। One hour later. ओ भाई जान, कदरदान, मेहरबान, अम्मी जान, अबू जान, नाश्ता बना दो, भूख लग रही है, पराठा कोई बना दो और साथ में जो सालन शालन रात का पड़ा है ना वो बन गया, बस ठीक है ओके दे दे। क्या देख रहे हैं आप जनाब? काम पै गया की है राती, तो कोई शह नहीं, राती कोई शह नहीं थी, तुहाडे सुते सुते ही काम पै गया, चले जे छड़ के तुहानू। पढ़े ना अबू आप, हैप्पी मदर्स डे, आगे क्या लिखा हुआ, ये इंटरनेशनल ट्रिप आए, और ये क्या है, स्पॉन्सर्ड बाय कमल एंड ज़ुल्करनैन। हाँ जी, आज तुसी सुते रहो, तुहाडे नसीब भी 100 गए ने, नूं नगदी दिओ असीं नहीं जा थोड़ा थोड़ा ज्यादा सो रहे हैं मदर डे के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप सानू पता की करना जी, मैं दसा इन्हां नाल वड्डा वर्ल्ड टूर करवा। ओह माय गॉड, कराओगे? ओए वड्डियां ही डिमांडा, ओए वड्डियां ही डिमांडा, कराओ भी साडी ने, हाय सट्टा पंजा चाहिए, दो दिन ना ना लिफ्ट कराओ ने, लो जी लो जी, ओने कदी नहीं कहना भैड़ा सी, हां जी तू भैड़ा सी, परसों दी गल है, मेरे चपेड़ा मार रहे सी, आहो भैड़ा सी, सुनो गल्ला, प्यो ने भैड़ा नहीं कहना, चपेड़ा ते गल दी गल है, शामी ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ, ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਚਪੇੜਾ ਵੱਜਣਗੀ, ਕਸੂਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜੋ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਬਰਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਦੁਰਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਿਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। चलो यार छोड़ो अबू, गुस्सा ना करो, आपको फादर्स डे पे मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट बड़े वाला दूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी, पर अभी अपना जी नाश्ता आ चुका है, नाश्ता करते हैं, लस्सी किधर है यार, आ गई लस्सी, क्योंकि मैं कुकू को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, नहीं इस उम्र में बच्चे को लगा देते,
लगा देते हैं। फार्मूला मिल्क खत्म? फार्मूला मिल्क एकदम से नहीं खत्म, लोग तो तीसरे महीने भी लगा देते हैं, नौवे महीने भी लगा देते हैं, दसवें महीने भी लगा देते हैं। किस पे? गाय भैंस के दूध? गाय भैंस के दूध पे लगा देते हैं। इट्स अप टू यू, गाय भैंस का दूध, नीडो, आपने वो आप दूध वाला यूज कर सकते हो या फिर फार्मूला भी रहने देते हैं। ठीक है, पर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो इसीलिए परेशान हो रही थी कि अब हम ट्रैवल करेंगे तो हम कौन सा दूध साथ लेके जाते हैं। अभी तो ट्रैवलिंग का कोई सीन ही नहीं है, मतलब जब करेंगे तो जब करेंगे तब की देखी जाएगी। अभी तुम अगर फार्मूला मिल्क छुड़वा कर एदल को दूसरा दूध शुरू करवाना चाहती हो ना, तो फिर गाय के दूध पर जाओ। गाय के दूध पे ही जाऊंगी, पर मेरा दिल ये है कि अभी उसका खत्म होने वाला, शाम तक खत्म हो जाएगा, तो छोटा डिब्बा ले आओ दूध का। अभी दूध का छोटा डिब्बा लेकर आओ ताकि ये भी पिलाती हूँ ना एकदम से उसको स्विच नहीं करना आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मुझे पता चले इसका। फर्ज करो अगर वो दो फीटर पीती है तो तुम सुबह में फार्मूला दे दो, शाम में गाय वाला दे दो, और ताकि मुझे उससे पता भी चले कि इससे कोई गड़बड़ी तो नहीं। तो अभी लेकर आओ? अभी नहीं, अभी है रात तक, तो मैं शाम में ले आऊंगा, मतलब शाम में वापसी भी लेते आएंगे हम। चलो ठीक है। वो चोर 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 मेरी अलमारी खोल के क्या कर रहा है? क्या कर रहा है अलमारी खोल? नहीं, अलमारी खोल के कर क्या रहा है? बेल्ट पाइए। बेल्ट? मेरी बेल्ट पहनी है? अभी दो दिन पहले तू मुझे तड़ियां लगा रहा था, मैं नहीं तेरी चीजें पहनता, जा चुक अपनियां चीजें, तू मेरी चीजें पहनता है। आज ही देख मेरी अलमारी से बेल्ट चोरी करते हुए मैंने तुझे पकड़ लिया। कि मैं तेरी चीजें पहनता हूँ लेकिन घुमाता नहीं हूँ। घुमाता नहीं है? अच्छा जी, घुमाता नहीं है तो पहनता क्यों है? उस दिन तो तड़ियां लगा रहा था, मैं पहनता ही नहीं हूँ। अब देखना पकड़ा ना रंगे हाथों मैंने। मैं थोड़ा तो ड्राइविंग सिखाना चल रहा है अबू। नहीं, अबू को ड्राइविंग नहीं सिखा रहा मैं। क्यों? अबू को ड्राइविंग सिखाना मेरी बस की बात नहीं है। अबू वो है जिनको बाइक भी सही तरह से चलानी नहीं आती, और अबू वो है जिनको साइकिल चलानी आती थी, और एक दफा वो साइकिल से गिर गए थे, उसके बाद अबू ने पूरी जिंदगी साइकिल ही नहीं चलाई, और गाड़ी खुदा ना खौफा थोड़ा बहुत भी झटका लग गया ना अबू को चलाते चलाते, तो मुझे इस बात की पूरी कंफर्मेशन है कि अबू ने पूरी जिंदगी फिर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठना नहीं है। इसलिए मेरे बस की बात नहीं है, कोई दुनिया का नंबर वन मास्टर अब्बू के लिए ढूंढेंगे, फिर अब्बू को ड्राइविंग आएगी। ड्राइविंग सिखा? अब्बू ने ड्राइविंग सीख के चार दिन बाद तेनू कहना और तेनू तू की है चल, तू की है चल, तू किधर का ड्राइवर है बेटा, गाड़ी सिखा दबो कि मैंनू तुसी की समझ। ओए हां यार, आपा ने भी बोला है कि आपा को भी ड्राइविंग, आपा एक दिन निकालूंगा इंशाल्लाह, आपको भी ड्राइविंग सिखाऊंगा, अम्मी को भी सिखाऊंगा, अब्बू को भी सिखाऊंगा, ठीक है ना? साइकिल भी नहीं चलानी आती, मोटरसाइकिल भी नहीं चलानी आती, गाड़ी तो आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज होगी। मेरे जो मास्टर जी थे ना जिन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई थी, वो पता है क्या कहते थे? वो कहते थे बेटा जी मैं औरतों को गाड़ी चलानी सिखाता हूँ और यकीन मानो मैं अजाब में पड़ जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता आटा गुन्नन वाले हकान तुसी स्टीयरिंग दे पा दियो ते गियर लाने का तरीका सिखाओ, वो कदी भी नहीं सीख पाते। बेसिक वैसे सिखाए हुए हैं। जब हम उधर पहले घर होते थे तो मेरे पास थी वो कल्टस, नहीं कल्टस नहीं थी, एफएक्स थी। एफएक्स मेरे पास थी, और जो नदीम भाई के पास गाड़ी थी वो सिटी थी। अच्छा। तो नदीम भाई ने कहा था एफएक्स पे सीखो तोड़ो, एफएक्स सीखने के लिए है। तो मैंने उस पे बेसिक मतलब पता है। टेंशन ना लो, आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह, जल्द हाथ सटो रहने दो। हाथ साटने लगे थे भाई, चपेट पड़ने लगी थी, इधर नन्नू बाबा को मारने लगे थे, देखा आपने? वो तो दादा अबू ने भी तो मारा है ना। हाँ, दादा अबू ने भी मारा है, छाड़े बाबा को मारते। सॉरी यार, खजूरों के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया था, दरअसल मुझे हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, सोचा कि अपने लिए खजूरे ले जाता हूँ जो कि मैं रास्ते में खा लूंगा। तो तुम्हें किसे कहा था पहले अगर गाड़ी में बैठ जाओ मेरे साथ आती ना, साथ आती तो वेट तो ना ना करना पड़ता इस बंदी को। खैर अभी हमारा सीन है एक दावत पर जाने का। यार कुदरती बात है कि जब से हम लोग उमरे पर आए हैं ना, रोजाना किसी ना किसी जगह हमारी दावत होती है। कल भी दावत पे गए थे, परसों भी दावत पे गए थे, उससे अगले दिन भी हम लोग दावत पे गए थे, आज भी दावत पे ही जा रहे हैं, और कुदरती बात ये भी है कि कल भी दावत है हमारी। परसों भी है? ओ माय गॉड, अल्लाह का बड़ा शुक्र है यार, घर का खाना नसीब ही नहीं हो रहा, दूसरों के घरों का खाना ही नसीब हो रहा है। कल भी दो दावतें थी, एक कैंसिल किया। जी हाँ, चलो अब खैर निकलते हैं, और एक और मेरा प्लान है, लेकिन अगर तो मेरा टाइम लगा तो उस प्लान की तरफ मैं बढ़ूंगा, अगर टाइम ना लगा तो फिर कल से इंशाल्लाह। आज तुम इतने प्यारे लग रहे हो ना।
मैं हमेशा ही लगता हूँ। नहीं आज लग रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारा मेरा वैसे अजीब साहब है ना। क्या तुम मेरी तरीफे करती रहती हो, मैं तुम्हारी तरीफे करता हूँ। मेरी तो नहीं करती। किसी तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम मेरी करते ही तो झूठ बोल रहे हो बिल्कुल। तुमने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। हाँ तुम मेरी तब तारीफ करते हो जब मैं एक दिन बोलती हूँ कि यार तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की, अगले दिन तुम कहोगे अच्छी लग रही। बस कर दिया कर यार, इसके बिना कभी गिले शिकवे दूर ही नहीं होते। अल्लाह जी कसम, इतनी तरीफे करता हूँ, इतनी तरीफे करता हूँ, ये अभी भी करते हैं, मेरी तारीफ ही नहीं करते तुम। जुकर मेरी बात सुनो, ईद भी थी, ईद पे भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं लेके दिया। कम से कम अब गर्मी आ गई है, मुझे 3-4 सूट ही ले दो गर्मियों के। शॉपिंग कर ले आज थोड़ी सी। नहीं टाइम नहीं है, मैं अपने काम के लिए कह रहा हूँ कि अगर टाइम लगा तो मैं वहाँ चले जाऊँगा, तुम्हारी शॉपिंग के लिए मैं चले जाऊँगा। 3-4 सूट ले दो यार, फिर कभी रास्ते में। यार तुमने ईद पे भी ये कहा था कि अभी बहुत दिन है, अभी ले लेते हैं, क्या हो गया? अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है। मुझे बताओ ईद पे तुमने नए कपड़े पहने थे कि नहीं? मेरी जान वो तो मुझे पिया के आए थे, आपने नहीं दिए। नए पहने थे ना, जब नए पहन लिए थे तो फिर किस बात का किला? 3 सूट लेके दो आज। अच्छा नहीं यार टाइम नहीं, 2 सूट कल जाएंगे, कल एक सूट। मुझे इशू नहीं है, मुझे इशू टाइम का, अभी टाइम लगना ही नहीं है यार। ओके मैं भी खजूर खाते हूं। दावत पर जाने से पहले एक काम याद आ गया, तो सोचा कि रास्ते में जाते जाते पहले अपना काम निपटा लेता हूँ। ये शवीक भाई क्या घड़ी? ये माशाल्लाह जनाब उम्रे पहले के लिए तोहफा है। अरे थैंक यू सो मच, हमारे साथ करके आए हैं। हाँ हाँ, हमने खाना कबाब बना दिया, ये वहाँ पे आपकी पिक्चर भी है बिल्कुल। कवल बाजी और जुल्कनैन भाई। नहीं आपने उल्टा बोल दिया मुझे लगता है। ये मैं कौन सा हूँ? बनाया किसने? बाजी आपने बनाया? बाजी मैं किधर हूँ? ये ब्लैक आपने तो पहनी है, आपने गलत। खाना भी साथ में दे रहे, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच शफीक भाई घड़ी के लिए भी और खाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। और खाना बहुत ज्यादा मजेदार था बाजी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ जी नान भाई, यार घड़ी तो पकड़ो। अनंत भाई आपको मिला कोई तोहफा? नहीं मुझे कुछ नहीं मिला। ओ ब्रो ये सेलिब्रिटीज के लिए एक्चुअली ना खाना ज्यादा यहीं पे खा लिया। अच्छा सेलिब्रिटी से याद है वो जो आपके ज़ुल्कर्नैन आर्मी है, जो आजकल हाजिरी कोई नहीं लगवा रही मेरे इंटीरियर पे। अच्छा हाँ जी यार जाया करो यार, बहुत अच्छा अच्छा फर्नीचर है और बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट भी आजकल अनंत भाई ने दिए हैं। सब्सक्राइब तो कर ले, फर्नीचर बाद में ले लेंगे। आपका चैनल? हाँ यार अनंत भाई का चैनल जाकर सब्सक्राइब करो। वैसे तो ये आजकल इनएक्टिव हुए हैं, ब्लॉग व्लॉग नहीं बना रहे, लेकिन रील शील अपलोड किया करे। सही है ना? और वैसे भी फर्नीचर मजीद ज्यादा अच्छा अच्छा निकालें ताकि हम लोग भी आपके पास दोबारा से खरीदने के लिए। आप तो जब ओके है ना, आप तो जब मर्जी है चीज़ें। डन डन डन, ओके भाई अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अनान भाई वो मेरी चीज ये आज 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 यार थैंक यू। काम का था वो आपकी माना था। थैंक यू सो मच यार हनान भाई, आपको पता है इस परफ्यूम की वजह से मेरे जो बड़े भाई हैं ना निकाश भाई, वो मेरे साथ नाराज चल रहे थे क्योंकि उन्होंने स्पेशली मुझे उमरा पर कहा था कि मेरे लिए आते हुए ये वाली परफ्यूम लेकर आना, और मैं भूल कर आ गया था। लेकिन अब हनान भाई ने अपने किसी दोस्त के थ्रू मुझे वहाँ से ये परफ्यूम मंगवा कर दे दी है। थैंक यू सो मच हनान भाई। ये होने नाराज होने वाली है क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है इतनी कमाल है। अच्छा कमाल है आपकी सोच। अच्छा खोल के देखेंगे ना आपको लगेगा ही नहीं आपने पता नहीं क्या खोली है। आप ले लो, उसको नाराज रखता हूँ और ये परफ्यूम मैं अपने रूम में रख लेता हूँ, है ना? रखें, बड़ी जबरदस्त चीज है। नहीं आपको और मंगवा देंगे हैं? हाँ हाँ बस ठीक है फिर, और आप और मंगवाने का वादा करते हैं ना, तो ये वाली परफ्यूम मैं निकाश भाई को दे दूंगा। गिफ्ट मिलेगा ओके निकाश भाई को दे जिनका। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज भाई। यार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जी? ठीक ठाक हो? जबरदस्त। इधर क्या निकाश और इब्राहिम, ये क्या हुआ पंखे को? ये खराब हो गया है? चल नहीं रहा? ये किस तरह की हरकतें कर रहा पंखा? ये लो चल ही नहीं रहा, तो बटन बंद कर दूं? बटन बंद कर देता हूं। हाँ किधर गए निकाश और इब्रार? वो तो बीमार हो गए ज्यादा। कौन? निकाश उन्हें एमरजेंसी से ले गए। कौन? इब्रार? इब्रार तो नाम सलमान। कौन से हॉस्पिटल? नाल अस्पताल है। अच्छा चलो मैं भी जाता हूँ यार, मैं जाता हूँ मैं चेक करता हूँ ना कि कैसी कंडीशन है। मैं यार इब्रार को कॉल करने के बाद अभी पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल। पता नहीं वो जनाब किस साइड पर हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर वो मिले ही नहीं है यार, पता नहीं किधर निकल गए। इब्रार को अभी मैं कॉल करता हूँ, इब्रार को कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो चवल उठा नहीं रहा मेरी कॉल। किधर हो तुम लोग? किधर हो? हॉस्पिटल में तो नहीं हो तुम लोग? हॉस्पिटल में ही आ रहे हैं। किधर आ रहे हो? इमरजेंसी? बात ही नहीं आ रही यार, पता नहीं कौन सी खुड में बढ़ गया। 2 बजे आते हैं ठीक है? बस आ रहे कर रहा हूँ, पता नहीं किस साइड पर आ रहा है ये। उस्ताद क्या हुआ है तबीयत को? हैं?
क्या हुआ है? और वो किधर है दोनों बरार और सलमान? टेस्ट लैन गेम है चवल आई को नहीं है, मैं तो बड़ी तकलीफ से बैठे हैं। नहीं हो क्या रहा है, दर्द कहाँ है? नीचे। वो क्या खाया पिया था? कुछ नहीं यार, खाया कि ये बोतल पीती है या चावल खाए ने। क्या हुआ है? पता है, टेस्ट करवाया? इंजेक्शन अभी लगना है तो उसके बाद जो है देखते हैं, और इसका रिजल्ट 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद? तो 1 घंटे बाद आएंगे या फिर यहाँ ही रहना है? नहीं नहीं दोबारा आना पड़ेगा। हाँ ना, तो ये क्या बैठे बैठाए तूने मुसीबत डाल दिया यार अपने आप को। देर आया यार, मुसीबत क्या डाली है यार? पता नहीं यार, राइस खाए ने बोतल पीती है तो अचानक ही दर्द शुरू हो गई। चल आप फिर इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि थोड़ा दर्द है तो बेहतर होना, बाद में आ जाएंगे टेस्ट के लिए भी। मैं कह रहा हूँ इंजेक्शन लगवाते हैं और बाद में आ जाते हैं 1 घंटे बाद। चलो आ जा, शाबाश। मैं तो जल्दी जल्दी में घर से आया हूँ कि पता नहीं क्यों हो गया कि एमरजेंसी लेके टूट गए नहीं को दम। चलो उठ शाबाश हिम्मत मार, उठ 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 उठ। जी तुसी तो बाहर जाओ ना। क्यों? आहो इंजेक्शन लगने लगा। तो फिर क्या टेंशन है? नहीं नहीं तू ही जाओ बाहर। अच्छा उधर लगना। इसको ये डर है कि मैं वीडियो ना बना लूँ इसकी, है ना। तो मैं भी बहुत ही लगाए जरा मेरे सामने इंजेक्शन। हाँ चल भाई लंबा पैर, चल 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 भाई। ओ लगना है। कितनी टेंशन है इसको, नहीं बनाता वीडियो। तू लगवा, मैं अपनी तरफ ही रखूंगा कैमरा। चलो लगाए बहुत से। और चीखे को मार रहा है, सुकून से लगवा ले। चीखे मार रहा है। चलो मल्लो 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 जल्दी जल्दी मल्लो। नहीं एक गल है भाई, मैं यकीन कर हाथ बहुत हल्का है। हल्का सही गल है। आओ हाँ यार जबरदस्त है यार, खुदा ने खास मुझे भी लगना होगा ना, मैं आपसे आगे लगवाऊंगा। ठीक है मैं वीडियो बनाऊंगा। चल चल उस्ताद ध्यान से, वैसे तू इतना ढीला नहीं चल रहा, वो देख कितने ढीले चल रहे हैं, और तेरे से ज्यादा बीमार ना ये लोग लग रहे हैं इस वक्त। घंटा हो गया खपन लगी है, कभी खपन नहीं है यार, बड़ी लेट कर रहे हैं। मैं पानी मांगता 15 मिनट हो गए ना। जी है ये हट आराम ने चावल ले है दोनों। चल आ तू खैर घर चलते हैं। गुस्सा चढ़ता पे ना यार, इतनी दर्द हो रही है, मजाक कर रहे होने तेरे ना। चलो जी अब चलते हैं घर वापस, और कोई जूस वगैरह पीना तो बता दे यार। जूस? हाँ ना कोई फ्रेश जूस पीना। चलो पी लेगा, देख ले अगर पीने को दिल है तो मैं रोक लूंगा रास्ते में। ठीक है लग गया ना, थोड़ा आराम आना शुरू है, दर्द बेहतर हो रहा है ना। चलो ठीक है यार, मेडिसिन। मैंने तो तेरी नाराजगी की वजह से परफ्यूम भी तेरे लिए स्पेशल जो तूने डिमांड की थी वो मंगवा लिया, लेकिन भाई तुम बीमार होके बैठ गए, अब क्या करें। परफ्यूम बहुत जबरदस्त है भाई। हाँ मंगवा भी लिया मैंने। अच्छा हाँ इधर ही रखा हुआ था, इधर पड़ा। ये क्या है? ये पड़ा है उस्ताद, ये ले तेरा परफ्यूम, शायद इससे भी तेरी थोड़ी सी बीमारी कम हो जाए, ये चेक कर। बुलाया था ना मैं, अब मैंने हनान भाई के दोस्त को कह के वहाँ से स्पेशली तेरे लिए मंगवाया। उस्ताद ऐ कौन थी? अरे स्माइल ला गई है परफ्यूम देख के। तन्नू भी कोई परफ्यूम शर्फ्यूम दे दियो। बाबा तन्नू परफ्यूम शर्फ्यूम नहीं, तन्नू इतर दवांगा ठीक है ना, क्योंकि तेरी बो ना परफ्यूम ना मरन वाली नहीं, एक डाडी जी इतर ना मरेगी तेरी बो, ठीक है ना। ऐसे चक्कर च इतर से मिलेगा ना। अब नाराजगी खत्म ना? अगर नकाश भाई अभी भी आपसे नाराज हुए ना तो लेकर खुद रख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं रख लूंगा, लेकिन मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया, बिकॉज मुझे तरस आ गया था कि यार भरा मेरा बीमार हो गया हूं तो उन्होंने परफ्यूम देनी बनती है। क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है इतना, डर क्यों रहा है कि ये फट पीछे। अब देखना तेरा क्या बनेगा, अब देखना इधर भाग रहा है वो बीमार आदमी के पीछे ना भाग। रायता भी गिरा दिया, पानी भी गिरा दिया, मेरा एक्टिंग वाला सिस्टम, पीछे कर पीछे कर, पानी तो नहीं चला गया यार। सलमान ये क्या किया है, पागल तो नहीं अपने, ये डर क्यों रहा है, ये पकड़ ना, ये पकड़ पकड़ यार। अबे तू पकड़ तो सही, क्यों डर रहा है इतना? साडे को फेरे लो यार, विजय ना तेरे पीछे मैं तुसे एवी बेचारे बीमार आदमी को दलील कर रहा है, ये पकड़ यार, ये ले ना, तो ले ले यार, ये अपने तबरकात नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों डर क्यों रहा है। ये लो वो भी डर रही
यार कैसे अजीब आदमी है तुम लोग, चीज चेक करो ये कोई डरने वाली चीज है, ये देखो अंदर क्या चीजें हैं, ये देखो हाँ खजूर पानी और टोपी है अंदर और कुछ नहीं है, पकड़ 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 चेक कर। तब से कौन सी चीज से डर रहा था ये? अच्छा यार कैसा इसको डराया मैंने यार, रख वापस चल शावर। मुझे क्यों पकड़ा रहा है, ये तेरी चीजें हैं भाई पकड़, ये देख लिखा हुआ है सलमान, ये तेरी चीजें हैं। मामा दो घंटे तक ड्राई क्यों जा रहे हैं, मैं क्या पता नहीं की ले। और जी चूड़ा जी सुनाओ ठीक हो, जा चला जा चूड़ा जी। लेने भी कोई हाथ धुन दिया जी, चार पांच दिन हो गए ने टेस्ट नहीं आया हले। आ गए आपको पास हो गए ने वो आपका जो ब्लड टेस्ट करवाया था, अच्छा उसका रिजल्ट पूछ रहे हैं आप? हाँ। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, कल ना मैं स्पेशली लैब जाऊंगा वहां से पता शता करके लाऊंगा। पर्ची आपने संभाल के रखी थी नहीं पे आमदा नहीं, आपने वो पर्ची संभाली भी है ना? बैठे बैठाई ये क्या सीन हो गया यार, अभी हम लोग बाहर आए हैं तो बारिश बहुत तेज बरस रही है, अल्लाह अकबर। सट पंजा अब तू कैसे जाएगा भाई, तू तो आया भी बेचारा पैदल है, मैं पैदल आया तैर के जाएगा। नहीं भाई बाहर मेरी मर्सिडीज यूनाइटेड की मर्सिडीज ये क्या गड्डी सुटेगा बीच में, हां दो चप्पू ये मैंने कहा कोई ना सिक्स पैक बने होंगे। नहीं यार ये पिछले ना दो तीन दिनों से काफी अच्छा मौसम चल रहा है, कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो चुकी है, और ना लेकिन ये पता नहीं क्या अजीबो गरीब सीन है कि रात के टाइम मौसम अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है, बारिश बरसना शुरू कर देती है, ठंडी हवाएं चलना शुरू कर देती है, लेकिन दिन के टाइम फिर दोबारा वही से 40-45 डिग्री वाला टेम्परेचर और अखीर किस्म की गर्मी। गुड मॉर्निंग, अभी तक हम लोग सोए नहीं है और अबू अपनी नींद पूरी करके नीचे भी आ चुके हैं। अच्छा वैसे क्यों आहो। उसकी तबीयत नहीं ना ठीक, तो हाल चाल पूछने के लिए आए हैं, अभी दोबारा से उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है अबू। सुबह नहीं, डॉक्टर ने कहा एक डेढ़ घंटे तक इसको दोबारा से लेकर आओ, मैंने टेस्ट चेक करना है। बारिश जी अभी रुक चुकी है और मैं अभी लेकर जाने लगा हूँ नकाश भाई को हॉस्पिटल। चलो 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 उस्ताजी, हो गया टेस्ट, चले चलो 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 जी वापस आ गए हैं घर, और रात वाला बहुत ज्यादा थक चुका है इस वक्त, इसीलिए मुझे अब आज के ब्लॉग से अगर तुम लोग दे दो ना इजाजत तो बहुत जबरदस्त सिस्टम हो जाएगा, तो फिर अब मिलूंगा कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।